अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर टू की एक्सरसाइज़ के न्यूमेरिकल्स सो ये जितने भी हमारे न्यूमेरिकल्स हैं चैप्टर नंबर टू से रेलिवेंट इन न्यूमेरिकल्स में हम ये जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है इनको यूज़ करते हैं सो ये हमारे पास कुछ इक्वेशंस ऑफ मोशन है फर्स्ट वन दिस एस इज़ इक्ल टू वी ए वी टाइम्स टी वी ए वी इज़ बेसिकली एवरेज वेलोसिटी टी एस इज़ डिस्टेंस एंड टी इज़ टाइम ये इक्वेशन हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास गिवन हो कि वेलोसिटी यूनिफॉर्म है मीन वेलोसिटी इज़ नॉट चेंजिंग सो आपको कैसे पता चलेगा कि ये सिचुएशन है इसमें नॉर्मली आपको एक ही वेलोसिटी गिवन होगी ऐसा नहीं होगा कि आपको इनिशियल वेलोसिटी भी गिवन और फाइनल वेलोसिटी भी गिवन हो सो so, यही बोला गया होगा कि एक बॉडी है वो मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ तो so, देन आप ये फॉर्मूला यूज़ करके इजीली आप डिस्टेंस फाइंड आउट कर पाएंगे या टाइम फाइंड आउट कर पाएंगे सेकंड, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन सो ये हम इसकी डेरिवेशन भी करते हैं चैप्टर की थ्योरी में वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी सेकेंड ऑफ मोशन एस इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इज टू एस इज टू वी एफ माइनस वी आई स्क्वेयर सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट न्यूमेरिकल

तो उसमें आपने सबसे पहले गिवन डाटा प्लेस करना है कि जो भी आपको वैल्यू गिवन है वो आपने जल्दी से यहाँ पे राइट डाउन कर लेनी है अगर आप डायग्राम बना सकते हैं तो वो बहुत बेस्ट है सो दिस ट्रेन इज़ मूविंग एट द स्पीड ऑफ 36 सिक्स किलोमीटर पर आर फॉर 10 सेकेंड एंड वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ओके सो स्टूडेंट्स एक और काम आपने करना है यहाँ पे 36 सिक्स किलोमीटर पर आर है and we know that kilometer per hour is not the SI unit so we have to change it into SI unit हम जानते हैं जो velocity का SI unit है that is meter per second so meter per second करने का एक short formula भी हमारे पास है तो 36 जो भी value हो आपकी kilometer per hour में उसको आप multiply कर दें 10 over 36 से तो आपका जो भी answer आएगा वो meter per second में आ जाएगा okay so next इसके बाद आप वो चीज़ लिखेंगे जो आपने फाइंड आउट करनी है नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस सो यहाँ पे हमने डिस्टेंस प्लेस किया कैलकुलेशंस अब स्टूडेंट्स हमने देखा यहाँ पे मैंने आपको प्रीवियसली भी बताया था कि जब एवरेज विलासटी हो जब विलासटी चेंज नहीं हो रही हो इस क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं गिवन कि बॉडी इनिशियल वलासिटी के साथ जा रही थी फिर उसकी फाइनल व हुई तो ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें जस्ट उसने है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ बॉडी मूव कर रही है जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो तो देन हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे वी ए वी टाइम्स टी एंड वी नो दैट एवरेज वेलोसिटी इज टेन टाइम इज़ टेन सेकेंड इन दोनों को मल्टीप्लाई करें टेन टेंस आर वन हंड्रेड मीटर स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने ये देखिए यहाँ पर कैंसिलेशन भी हो रही है यूनिट्स की तो ये आप कर सकते हैं यहाँ पे भी सेकंड सेकंड से कैंसिल हो जाएगा लेकिन इन इन केस के आप इसको यहाँ पे जो वैल्यूज़ लिखते हैं जस्ट आप यूनिट्स नहीं लिखते तो ये आपने माइंड में रखना है कि जब आप लास्ट पे जाएं तो जो भी चीज़ आप फाइंड आउट कर रहे हैं उसका यूनिट लाजमी आप प्लेस करेंगे सो फॉर एग्जांपल मैं अगर डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहा हूँ तो डिस्टेंस का यूनिट मैं मीटर यहाँ पर कंपलसरी प्लेस करूँगा ओके सेकेंड मेरिकल अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट सो स्टूडेंट्स यहाँ से आपने इंफॉर्मेशन लिखना स्टार्ट करना है जल्दी से आपने गिवन डाटा प्लेस करना है उसके बाद आर ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट रेस्ट मीन द इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो ट्रेन स्टार्ट स्टार्ट मीन इट इज प्रेजेंटिंग दैट दिस वन इज अ इनिशियल वेलोसिटी फ्रॉम रेस्ट रेस्ट मीन इट इज़ नॉट मूविंग सो इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो ओके सो दिस ट्रेन हैज इनिशियल वेलोसिटी जीरो इट मूव्स थ्रू वन किलोमीटर इन वन हंड्रेड सेकेंड मीन यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया है वो वन किलोमीटर का है और कितने टाइम में किया है वन हंड्रेड सेकेंड में विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ये बता रहा है कि भाई जो भी उसकी स्पीड थी वो कॉन्स्टेंट थी वो चेंज नहीं हो रही थी अगर वो ट्वेंटी की स्पीड से था तो ट्वेंटी की स्पीड से मूव किया जा रहा था चेंज नहीं हो रहा था तो ये कंपल्सरी होता है जी जितनी भी हम एक्वीज ऑफ मोशन यूज़ करते हैं ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए ही है इसमें ऐसा नहीं होता कि गाड़ी वन टाइम के लिए मूव करती है फिर स्पीड कम करती है फिर मूव करती है तो ऐसा कुछ नहीं होता ये यूनिफॉर्म एक्सलेशन से बॉडीज मूव करती हैं वट विल बी द स्पीड एट द एंड ऑफ हंड्रेड सेकेंड सो वी हैव टू फाइंड बेसिकली वट विल बी द स्पीड एट द एंड ऑफ एक तो विलासिटी ये गिवन थी रेस्ट एंड सेकेंड विलासिटी ये गिवन है जो हमें फाइंड आउट करनी है राइट सो इनिशियल इज गिवन डिस्टेंस इज गिवन टाइम इज गिवन यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू थी वन किलोमीटर ये ऐसा यूनिट में नहीं थी मुझे पता है कि किलो इज अ प्रीफिक्स एंड वैल्यू इज वन थाउजेंड सो तो वन थाउजेंड मीटर डिस्टेंस वन थाउजेंड मीटर के इक्वल फाइन वी अब स्टूडेंट्स इस पर आपने ये माइंड में रखना है कि मुझे फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है फाइनल वेलोसिटी के लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं अगर हम यहां पे मूव करें तो यहाँ पे हमने देखा कि ये वाला जो फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं इसीलिए वी आई फिजिकल टू वी आई प्लस ए टी लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने देखा कि हमें फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए इनिशियल चाहिए वो हमारे पास है हमें टाइम चाहिए वो भी है लेकिन एक्सेलरेशन नहीं है तो अब क्या करेंगे हम तो पहले स्टूडेंट्स हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे देन हम इसको प्लेस करेंगे फर्स्ट क्वीन में और वहां से हम इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे इज इट क्लियर कि पहले हमें क्योंकि हमें डिस्टेंस गिवन है और डिस्टेंस को यूज़ करते हुए हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं फ्रॉम सेकेंड क्वीजन ऑफ मोशन और फिर इस एक्सेलरेशन को यूज़ करके फर्स्ट क्वीन में यूज़ uh, करेंगे और वहां से हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं फाइनल वेलोसिटी अगर हमें डायरेक्टली यहां पे एक्सेलरेशन गिवन होता तो मैं हम डायरेक्टली फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर सकते थे सो एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्र दैट इज द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे एस की वैल्यू प्लेस की इनिशियल वेलोसिटी वाज वॉज जीरो वो यहाँ प्लेस किया और अगेन uh, ए की वैल्यू तो हमारे पास गिवन नहीं है टी टाइम इज़ वन हंड्रेड स्क्र अब स्टूडेंट्स ये तो हमारी वैल्यू ज़ीरो हो गई एंड वी नो दैट अगर वन हंड्रेड है तो उसका स्क्वायर क्या होगा यहाँ पे वन हंड्रेड के साथ टू जीरोज है ना तो उसका स्क्यर कितने जीरोज़ हो जाएंगे साथ में फ़ोर जीरोज़ हो जाएंगे अगर यहाँ थ्री जीरोज़ होते तो उसका स्क्येयर के लेने के बाद यहाँ पे सिक्स जीरोज़ होने चाहिए थे वन के साथ सो so, ये वन टेन थाउजेंड को टू से डिवाइड किया तो हमारे पास फ़ाइव थाउजेंड आ गया अब फाइव थाउजेंड मुझे तो एक ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो फाइव थाउजेंड को दूसरी साइड पे डिवाइड कर देते हैं बाय डिवाइडिंग वी विल गेट जीरो पॉइंट टू मीटर पर सेकेंड स्क्र ये तो स्टूडेंट्स मेरे पास एक्सलेशन की वैल्यू आ गई अब क्या करते हैं अब फर्स्ट क्वीन यूज़ करते हैं और इसमें हमारे पास ये जो वी एफ तो ऑलरेडी हमें फाइंड आउट करना है वी आई क्योंकि ट्रेन ने स्टार्ट रेस्ट से लिया था तो रेस्ट की वेलोसिटी जीरो होगी एक्सेलरेशन ज़ीरो पॉइंट टू जो अभी हमने वैल्यू फाइंड आउट की है और टाइम कितना था वन हंड्रेड सेकेंड के लिए ट्रेन ने मूव किया था सो वन हंड्रेड टाइम्स जीरो पॉइंट टू दैट इज़ ट्वेंटी और मैंने पहले भी आपको बताया था कि यहाँ पे यूनिट्स प्लेस करने की जरूरत नहीं है जस्ट लास्ट पे जब आपका आंसर आ जाए तो वहां पे आपने देखना है कि आप कौन सी क्वांटिटी फाइंड आउट कर रहे हैं जो भी क्वांटिटी आप फाइंड आउट कर रहे हैं उसका यूनिट वहां पे प्लेस कर देना नेक्स्ट वन अ कार हैज़ कारसिटी ऑफ टेन मीटर पर सेकेंड चले स्टूडेंट्स साथ साथ लिखते जाए कार तो मूव कर रही थी और किस फिलोसिटी से मूव कर रही थी इट वॉज़ मूविंग विद द विलासिटी ऑफ टेन मीटर पर सेकेंड सो इट मीन्स दिस फन इज़ अ इनिशियल विलासटी इट एक्सलरेट एट टू मीटर पर सेकेंड स्केयर ये एक्सलरेट भी कर रही है और किस स्पीड से एक्सलरेट कर रही है टू मीटर पर सेकेंड ये तो हमें पता होना चाहिए यूनिफॉर्मली एक्सलरेट करेगी टू मीटर पर सेकेंड टू मीटर पर सेकेंड स्केयर सेज दैट इन वन सेकेंड जो इसकी विलोसिटी में चेंज आ रहा है ना वो टू मीटर पर सेकेंड का आ रहा है मीन हर मीन फॉर अगर फॉर एग्जांपल एक अभी इसकी स्पीड टेन है तो दो एक सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी ट्व हो जाएगी दो सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी फोर्टीन हो जाएगी चलें ये भी इंफॉर्मेशन हमने लिख लिया कि इसके एक्सप्लेन टू मीटर पर सेकेंड स्क्र है नेक्स्ट फिर हाफ मिनट हाफ मिनट वी नो देट हाफ मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं सेकेंड्स में इसलिए चेंज किया क्योंकि एस यूनिट सेकेंड है ओके सो so स्टूडेंट्स हमने फाइंड आउट क्या करना है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड फाइंड द वेलोसिटी ऑफ कार सो हमने दो चीज़ें फाइंड आउट करनी एक तो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है जो इसने यहाँ से यहाँ तक आने में लगाया और सेकेंड हमें फाइंड आउट करना है फाइनल वेलोसिटी क्योंकि एक तो इनिशियल वेलोसिटी थी ना जिससे जिससे कार चल रही थी क्योंकि वो एक्सेलरेट भी कर रही है अब तो एक नई वेलोसिटी होगी उसकी वही वेलोसिटी भी हमने फाइंड आउट करनी सो so पहले ऐसा करते हैं डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं अब सोचें कौन सी क्वीजन आप यूज कर सकते हैं आपके पास थ्री क्वीज हैं जो पहली क्वीज थी वो तो जस्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए थी ना यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो है ही नहीं है तो वेलोसिटी यहां पे इनिशियल वेलोसिटी भी आपको गिवन है और आपको फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है तो इट मींस के बॉडी एक्सलरेट कर रही है दिस इज नॉट यूनिफॉर्म वेलोसिटी सो पहली क्वीजन तो हम यूज़ ही नहीं कर सकते उसके बाद हमारे पास थ्री ऑप्शंस बचे हैं मैं दोबारा से आपको अभी स्टूडेंट्स हमारे पास ये थ्री ऑप्शन हैं फर्स्ट क्वीन है सेकेंड क्वीजन है थर्ड क्वीन है तो इनमें से देखते हैं कि हमें फ़ाइंड तो आउट करना है डिस्टेंस तो पहली क्वीनस तो हम यूज़ ही नहीं कर सकते सेकेंड हाँ ये हो सकती है यूज़ थर्ड भी हम यूज़ नहीं कर सकते थर्ड हम इसलिए यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास फाइनल लॉस ही नहीं है तो हम नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे जस्ट सेकेंड क्वीन हम यूज़ कर सकते हैं डिस्टेंस के लिए तो जल्दी से ये प्लेस करते हैं

अब स्टूडेंट्स टाइम टाइम इज थर्टी सेकेंड सो यहाँ पे ऊपर स्क्वेयर है तो ये ऊपर स्क्वेयर आ जाएगा ओके अब थर्टी को टेन से आपने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर आ गया थ्री हंड्रेड प्लस ये जो जीरो पॉइंट टू है इसको आप टू से डिवाइड करें तो आपका आंसर आ जाएगा, जाएगा जीरो पॉइंट वन अब थर्टी का स्क्वेयर लें थर्टी स्क्वेयर इज नाइन हंड्रेड नाइन हंड्रेड को जीरो पॉइंट वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो नाइन्टी आंसर आ जाएगा नाइन्टी प्लस थ्री हंड्रेड दैट इज थ्री नाइनटी एंड वी नो दैट द यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर सो यहाँ पे हम इसका यूनिट भी प्लेस करेंगे नेक्स्ट वन टू फाइंड द फाइनल लॉस्टी वी विल यूज़ फर्स्ट इक्वन अब फाइनल लॉस हमने फाइंड आउट करनी है तो फाइनल लॉस्टी के लिए हम फर्स्ट इक्वन यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास इनिशियल लॉसटी भी गिवन है हमारे पास एक्सेलरेशन भी गिवन है हमारे पास टाइम भी गिवन है तो इजीली हम फर्स्ट इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं सो टेन प्लस इनिशियल वेलोसिटी वाज़ वॉज टेन एक्सलेशन जीरो पॉइंट टू

कितने टाइम के लिए मूव कर रही है इट टेक्स थ्री सेकेंड टू रीच द हाइस पॉइंट मीन आपको पता है ना कि जब हम किसी भी बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तो कुछ टाइम के बाद मीन उसकी वेलोसिटी तो अल्टीमेटली कम होना शुरू हो जाती है और वो कितने कितनी वेलोसिटी कम हो रही होती है वो बेसिकली कम हो रही होती है टेन मीटर पर सेकेंड इन एवरी सेकेंड इन ईच सेकेंड इट इज़ रिड्यूसिंग बाय टेन मीटर पर सेकेंड क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सलेशन ही 9.8 और 10 मीटर पर सेकंड स्क्वेयर है ना तो इट मींस कि एक सेकंड में वेलोसिटी में चेंज कितना आ रहा होता है 10 सेकंड का 10 मीटर पर सेकंड का सो स्टूडेंट्स यहां पे हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी गिवन है तो मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने के लिए उसको कितना टाइम लग रहा है थ्री सेकंड नेक्स्ट कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल दो चीजें हैं फाइंड आउट करनी है फर्स्ट चीज तो ये है मैक्सिमम हाइट हमें फाइंड आउट करनी है सेकेंड हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रिटर्न टू ग्राउंड कि ये बॉडी ऊपर तो मूव कर रही थी लेकिन ऊपर मूव करने के बाद फिर इसने वापस भी आना है तो क्वेश्चन ये है हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रिटर्न टू ग्राउंड कि ऊपर जाने और फिर वापस आने में जो इसको टोटल टाइम लगा वो हमने फाइंड आउट करना है सो स्टूडेंट्स हाइट के लिए हम यूज करते हैं ये फॉर्मूला टू फाइंड द टोटल हाइट वी विल यूज सेकेंड इक्वेशन एंड सब्सटीट एस इज इक्वल टू एच एंड इज इक्वल टू जी अब स्टूडेंट्स कोई भी बॉडी जो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है या वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करेगी तो इसको नॉर्मली हम हाइट से प्रेजेंट करते हैं ठीक है तो ये ये जो सेकेंड इक्वेशन को इसको हम जरा सब्सट्यूट कर लेते हैं क्योंकि अब बॉडी मूव कर रही है वर्टिकली सो एस जो है उसको रिप्लेस कर लेते हैं एच से इसी तरह से जो ए है वो जी से रिप्लेस हो जाएगा राइट right? क्योंकि एक्सेलरेशन तो होता है हॉरिजॉन्टल नॉर्मली एंड जी जी इज़ बेसिकली ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्योंकि जब हम बॉल को थ्रो करते हैं तो वो फ्री फॉल कंडीशन में होती है दैट वाज जस्ट मूविंग अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स सो हम इसको स्मॉल जी से प्रजेंट कर दिया अब यहाँ पे जो हमारे पास हाइट है सॉरी ये आप एस को रिप्लेस कर सकते हैं एच से तो यहाँ भी आप एच ही प्लेस करेंगे इनिशियल वेलोसिटी इज़ 30 एंड टाइम इज़ 3, सो 1.2 दैट इज़ माइनस 10, यू नो बॉडी ऊपर की तरफ मूव कर रही है बॉल ऊपर की तरफ मूव कर रही जब ऊपर की तरफ मूव करेगी तो जी की वैल्यू माइनस होगी नॉट प्लस एंड टी टाइम ये कितना होगा थ्री स्क्वेयर सो so, यहाँ पे भी एस इज़ इक्वल टू नाइनटी माइनस फोर्टी फाइव दैट इज़ फोर्टी फाइव मीटर टोटल टाइम इज इक्वल टू द टाइम फॉर अपवर्ड जर्नी एंड डाउनवर्ड जर्नी अब स्टूडेंट्स कोई भी बॉडी जो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करी जितना टाइम इसको ऊपर जाने में लगेगा उतना ही एग्जैक्टली exactly टाइम इसको नीचे आने में लगेगा अगर ऊपर जाने में अब पाँच सेकेंड लगेंगे नीचे आने में भी पाँच सेकेंड लगेंगे सो so, ऊपर जाने में कितना टाइम लगा थ्री सेकेंड नीचे आने में कितना टाइम लगा थ्री सेकेंड थ्री प्लस थ्री टोटल सिक्स सेकेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव अ कार मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी फोर्टी मीटर पर सेकेंड फॉर फाइव सेकेंड ये जो कार है इसने यहाँ से यहाँ तक मूव किया इसकी वेलोसिटी कितनी है फोर्टी मीटर पर सेकेंड और कितने टाइम के लिए इसने मूव किया है फाइव सेकेंड के लिए अब यहां तक पहुंचने के बाद इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद कि पहले फोर्टी की वेलोसिटी से इसने मूव किया है कितने टाइम के लिए फ़ाइव सेकेंड के लिए यहां पर जब ये बॉडी पहुंची उसके बाद क्या हुआ इट कम्स टू रेस्ट इन नेक्स्ट एक्स टेन सेकेंड कि यहां पे इसकी वेलोसिटी तो फोर्टी थी लेकिन यहां से इसने अपने आप को डिसरेट करना स्टार्ट किया और यहां से यहां तक पहुंचने में इसको टेन सेकेंड्स लगे और इतने टाइम में जो इसकी विलासिटी हो गई है वो जीरो हो गई है क्योंकि ये लिखा हुआ है इट कम्स टू रेस्ट रेस्ट मीन वी जीरो इट कम्स टू रेस्ट मीन इन टेन सेकेंड्स में इसकी विलासिटी फोर्टी से जीरो हो गई है विद यूनिफॉर्म एक्सलेशन सो फाइन डिसलेशन एंड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई द कार सो ये स्टूडेंट्स कुछ वैल्यूज गिवन है एवरेज टाइम गिवन है हमारे पास टाइम फॉर यूनिफॉर्म विलोसिटी वो गिवन है टी वन इज़ फाइव सेकेंड ये मैंने इसको सेपरेटली इसलिए लिखा था कि आप कन्फ्यूज ना हो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये यूनिफॉर्म विलासिटी के साथ इसने मूव किया है उसका टाइम फाइव सेकेंड है और यहाँ से लेकर यहाँ तक जिस बॉडी ने मूव किया है उसका जो टाइम है वो टेन सेकेंड है इज इट क्लियर ओके टाइम इन विच बॉडी डिसरेट टेन सेकेंड है और उसके बाद फाइनल वेलोसिटी वो जीरो है अब डिसल फाइंड आउट करना है फर्स्ट तो हमने उसके बाद हमने टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो डिसल रेशन ये ए फाइंड आउट करने के लिए हम कौन सी क्वेश्चन यूज कर सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन अब स्टूडेंट्स जो हमारे पास फाइनल लॉस्टी है वो तो क्योंकि जीरो है यहाँ पे लिखा गया इट कम्स टू रेस्ट सो फाइनल वेलोसिटी जीरो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है अब स्टूडेंट्स देखना है आपने ये जो मैंने यहाँ से डायग्राम बनाई ये ब्लू ये पर्पल यहाँ से लेकर ब्लैक तक का जो डिस्टेंस है बेसिकली हम इसको डील कर रहे हैं क्योंकि एक्सलरीशन यहाँ से फाइंड आउट होगा ये जो पहले फाइव सेकेंड का डिस्टेंस है यहाँ तो एक्सलेशन हम फाइंड आउट नहीं करेंगे एक्सलेशन तो चेंज इन वेलोसिटी होता है ना और चेंज इन विलासटी तो यहाँ पर आ रहा है ये फोर्टी सेकेंड से ज़ीरो तक तो ये वाले जो टेन सेकेंड है बेसिकली हम इनके लिए एक्सेलेशन फाइंड आउट करेंगे और ये पहले वाले जो फाइव सेकेंड इनके लिए जस्ट हम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे जो हम बाद में फाइंड आउट करेंगे इज़ इट क्लियर तो अभी हम इसको डील कर रहे हैं ये जो टेन सेकेंड्स है तो इसमें हमारे पास फाइनल वेलोसिटी जीरो इनिशियल वेलोसिटी फोर्टी एक्सेलरेशन हमने फाइंड आउट करना है टाइम कितना है टाइम टेन सेकेंड सो यहाँ से फोर्टी को दूसरी साइड पर भेजें तो माइनस फोर्टी आ जाएगा एक्सेलरेशन हमने फाइंड आउट करना है दैट इज़ माइनस फोर्टी ओवर टेन सो दैट इज इक्वल टू माइनस फोर मीटर पर सेकेंड स्क्र सो ये तो एक्सलेशन हमने फाइंड आउट कर लिया अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट टू गेट द टोटल डिस्टेंस वी विल फाइन देंस फाइव सेकंडिफॉर्मस्ट आफ्टर दैट वी विल फाइंड द डिस्टेंस कवर इन टेन सेकेंड सो अब स्टूडेंट्स यहाँ पे टू टाइप्स के डिस्टेंस एक तो ये डिस्टेंस है जो इस बॉडी ने फाइव सेकेंड में ट्रेवल किया और दूसरा डिस्टेंस ये है जो इसने टेन सेकेंड में ट्रेवल किया क्योंकि ऑल दो वेलोसिटी 40 से ज़ीरो हुई है लेकिन उसको इतनी वेलोसिटी होने में कितना टाइम लगा 10 सेकेंड्स लगे तो इस टाइम में भी कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो बॉडी ने ट्रैवल किया है सो फाइंड आउट करते हैं पहले हम ये डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं अब स्टूडेंट्स ये देखा कि जो पहला डिस्टेंस था फाइव सेकेंड का वो एवरेज विलॉसिटी है इसके लिए मैंने आपको जो फोर इक्वेशन स्टार्ट में दिखाई थी उसमें फर्स्ट वाली इक्वेशन हम इसमें यूज़ कर सकते हैं क्योंकि एवरेज विलासटी इज़ फोर्टी

लेकिन हमें तो टेन सेकेंड्स के लिए फाइंड आउट करना है सो so इसलिए हम ये सेकेंड इक्वेशन यूज करेंगे इज इट क्लियर सो इनिशियल वेलोसिटी फोर्टी टाइम टेन अगेन एक्सेलरेशन की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं दैट इज़ माइनस फोर और टाइम टेन स्क्र सो टेन स्क्वेयर इज़ वन हंड्रेड माइनस फोर को टू से डिवाइड करें माइनस टू आ जाएगा ये माइनस मैं यहाँ पे ले आया हूँ सो फोर हंड्रेड माइनस टू हंड्रेड दैट इज़ टू हंड्रेड मीटर अब स्टूडेंट्स टू टाइप्स के डिस्टेंस हैं एक तो ये डिस्टेंस है जो उस बॉडी ने फर्स्ट फाइव सेकंड में ट्रैवल किया और दूसरा डिस्टेंस जो उस बॉडी ने नेक्स्ट टेन सेकंड में ट्रेवल किया अब इन दोनों डिस्टेंसेस को ऐड करते हैं तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा फोर हंड्रेड मीटर